अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो के। वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। फिर से हम जाने वाले हैं भाई दोबारा से पीएफ म्यूज़ियम। बीच में मैंने आपको जो है ना पीएफ म्यूज़ियम का जो बच्चों के खेलने की जगह दिखाई थी, अब दोबारा से आपको दोबारा जो पेंडिंग जहाज़ हमारे रह गए ना वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे अच्छे जहाज़ दिखाऊँगा, बहुत VIP जगह दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ साथ रहिएगा, जाना कहीं भी नहीं है भाई। अभी मैं जा रहा हूँ, कुरंगी का रोड है भाई ये। सुबह सुबह मैंने ऐसी बस एक शॉट ले लिया चलते चलते, मैं काम पे जाते हुए मैंने सोचा चलो यार इसी को डालते हैं पहले व्लॉग में स्टार्टिंग में। तो हम पहुँच चुके हैं भाई फिर से अब पुरानी जगह पे, पीएफ म्यूज़ियम पे, ठीक है ना, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। बीच में एक व्लॉग मैंने दूसरा डाल दिया ताकि आप लोग बोर ना हो यार, ठीक है ना। अलग अलग तरह के आने चाहिए व्लॉग, एक तरह के आते रहेंगे तो बंदा बोर हो जाता है। इसलिए भाई बीच में मैंने जो है बच्चों के लिए एक वो डाल दिया था फन लैंड का। तो अभी आप देख सकते हो भाई बहुत ही प्यारी एक सामने हमारे गाड़ी खड़ी है, बहुत ही प्यारा लोग और वो जहाज़ जा रहा है सामने से, देख सकते हो आप पास ही, क्योंकि एयरपोर्ट है आगे, ठीक है। इसलिए जहाज़ हमारे ऊपर से जा रहा है भाई। तो वापसी चलते हैं भाई अपनी इस गाड़ी की तरफ। ये रेडार टाइप गाड़ी है जो सिग्नल पहुंचाती है और हमें हमारे दुश्मन के बारे में बताती है कि भाई हमारा दुश्मन किस साइड पे, ठीक है। तो इस गाड़ी का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ वो बहुत बड़ा रेडार नहीं पहुंच पाता, तो इस गाड़ी को लेके जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक और बहुत बड़ा रेडार पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लाइन से 3-4 जो है ना रेडार ही पड़े हुए हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, अभी एक और दिखाया, अभी एक ये दिखा रहे हैं। दोनों साइडों से देख सकते हो आप इसको, इसको जो है ना एक और ये आगे भी खड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग तरह के सारे लाइन से जो है ना पड़े हुए हैं, इनको जो है इजीली ये कहीं भी ले जाया जा सकते हैं। ऐसे ही जैसे पूरी गाड़ी बनी हुई है ना, ये पूरी की पूरी गाड़ी चली जाती है दुश्मन के, जहाँ भी जंग वगैरह के असरात होते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी गाड़ी है, पूरे म्यूजियम में बहुत ही प्यारी है। 2-3 गाड़ियाँ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी हैं यहाँ पर, अलग ही लुक था इनका, अलग ही मतलब खड़े होने का जो स्टाइल है ना, ब्राउन वाला स्टाइल है इनका। तो ये आप देख सकते हो, चलो नेक्स्ट भाई देखते हैं अभी आगे क्या देखने को मिलता है हमें। ये तो मैंने लाइन से आपको सारी चीज़ें जितनी पड़ी मैंने दिखा दी, रॉकेट भी दिखा दी, रडार दिखा दी, ये वाली गाड़ी भी दिखा दी, आगे ये रडार दिखा दी, उधर एक और गाड़ी खड़ी वो भी दिखा दी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलते हैं किसी जहाज़ की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे जहाज़ भी खड़े हैं यहाँ पे, प्यारे प्यारे रॉकेट भी आपको मैंने दिखा दिए हैं पहले। तो आस्ते आस्ते स्लो स्लो पैदल पैदल घूमते फिरते जो है ना चल रहा हूँ। पीएफ म्यूजियम बहुत बड़ा है भाई, बहुत प्यारी जगह है, ठीक है ना। आप फैमिली को लेके आ सकते हो, बच्चों को लेके आ सकते हो, बहुत ही जो है ना घास वगैरह और मतलब बहुत प्यारी प्यारी जगह बनी हुई है यहाँ पे। सुबह से लेकर शाम तक आप रात 11 बजे तक आप यहाँ बैठ सकते हो, रह सकते हो, खाना साथ लाना चाहो ला सकते हो, आप कोई मना नहीं है सिक्योरिटी की तरफ से। 120 रुपये जो है ना एक पर्सन का जो है टिकट है और बाकी बच्चों का अलग है। ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा एक जहाज़ खड़ा हुआ है, सफ़ेद रंग का छोटा जहाज है ये। आजकल कराची में इसकी सर्विस भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि आप बुक कराना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। ये वाला नहीं है भाई, वो अलग है, ठीक है ना, वो अलग किसी कंपनी ने खोला है, वो अलग ज़्यादा, पर सेम इसी तरह के ही हैं। ये जैसे खड़े हैं ना सेम जहाज है, आप बुक करवा के पूरा सिंध घूम सकते हो इजीली। तो दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है माशाल्लाह से, कराची में भी बहुत जो है ना सहूलियात आती जा रही हैं आस्ते आस्ते इस तरह की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट एक और जहाज आ गया भाई ये, और इसके बाद ब्लैक कलर का जहाज आएगा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है भाई खड़ा हुआ, बहुत ही प्यारा लुक है इसका। ये भी एक मिनी जहाज पर्सनल यूज़ के लिए जो होते हैं ना, बड़े बड़े फौजी हो, हाई लेवल के फौजी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा है, मिनी एरोप्लेन खड़ा हुआ है, इस पर मतलब दो बंदे बैठ सकते हैं, दो या तीन या मतलब से एक बैठ सकता है। तो
ये भी आप देख सकते हो भाई, बहुत ही प्यारा है, ब्लैक कलर का जो है ना 76012 जहाज है। ये भी दो बंदों के लिए जो इस्तेमाल होता है। हर एंगल से मैं आपको दिखाऊंगा ताकि कोई एंगल रह ना जाए, आप हर तरफ से जहाज को देख लो। वो आजकल एक डायलॉग चल रहा है ना, ये जहाज बिकने के लिए आया भाई, वही सीन लग रहा मेरे को। एक और बहुत ही प्यारा लुक माशाल्लाह, ये आप देख सकते हो 6413, बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है ये भी। आप इनके साथ तस्वीरें भी बना सकते हैं आराम से, कोई मतलब आपको मना नहीं करेगा इसके। भाई ये ऊपर नहीं चढ़ना ठीक है, ये जो रेड कलर का पाइप लगा हुआ है ना, इसके ऊपर जाना मना होता है। बाकी अब यहाँ इर्द-गिर्द खड़े हो गए, कहीं से भी आप तस्वीर बना सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। एक और सफ़ेद रंग का 8925 सफ़ेद रंग का एक बहुत ही प्यारा प्यारे लुक वाला माशाल्लाह से, ये तो अलग ही लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा भाई, नए आने वाले दोस्तों से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप देख सकें। नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हो, ये एक छोटी गाड़ी है और उसके साथ जहाज खड़ा हुआ है। ये गाड़ी पता नहीं किस इस्तेमाल में आती है, शायद बारूद वगैरह गोलियां शोलियां ले जाने के काम आती होगी। ये एक और जो है ना हमारा जंगी त्यारा खड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसे देख के हमारे दुश्मन की जो है ना टांगे कांपने लग जाती हैं। मिसाइल भी रेडी पड़ा हुआ है इसका। बहुत ही प्यारी जगह, हर तरफ आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी, घास लगी हुई है जगह जगह ठीक है ना, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको अलग फैमिली है, अगर ज़्यादा लोगों में आप नहीं जाना चाह रहे ना, तो ऐसी जगह पे आप आके आप इजीली बैठ सकते हैं। अपना पूरा जो है ना, जो भी आपकी फैमिली है और जो चीज़ें भी आप साथ लाए हैं, आप इजीली यहाँ पर ला सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक मॉडल पड़ा हुआ था यहाँ पर, सामने आप देख सकते हैं। जब कोई बड़ा बंदा आता है ना, सियासतदान वगैरह या कोई भी बड़ा हुकूमत का कोई बंदा, तो यहाँ पे उन्हें जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वेलकम किया जाता है उनका ये इस जगह पे ठीक है ना। बैक साइड पे गेट लगा हुआ, वहीं से अंदर डायरेक्ट गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी आती हैं अंदर आती हैं, और यहाँ पर उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वेलकम किया जाता है एक तरह से उनका। यहाँ पे देखें अलग ही गार्ड खड़ा बैठा हुआ है ताकि